हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने आया था, तो मुझे यहाँ पे न्यू वाली 350 भी दिख गई, तो सोचा आप सबके लिए एक वीडियो बना लूँ। ये बिल्कुल क्लासिक जैसी है, इसमें ये शायद बेस वेरिएंट है, इसमें एडिशनल ये बटन्स वगैरह नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह नहीं है, बट हाँ इसमें चार्जिंग पोर्ट मुझे दिख रहा है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो और इसका जो ये मीटर है, इसमें जो नंबर्स लिखे हैं ये थोड़े से अलग हैं, और ये भी क्रोम की ग्रिल है, इसमें इसमें थोड़ा मैट फिनिश में आता है, हैंडल बार इसका क्रोम है। ओवरऑल देखने में बिल्कुल जो है ये क्लासिक जैसी ही लगती है। साइलेंसर भी इसका एक्सटेंडेड लंबा सा दिया हुआ है, और आगे से इसके अगर फोक्स भी देखते हैं, फोक तो है तो ये नॉर्मल फोक्स ही, बट ये उसके ऊपर कवर दिया गया जैसे कि क्लासिक में आता है। तो ऑल एंड ऑल बिल्कुल क्लासिक जैसी ही है, ये क्लासिक को टक्कर ही देती है, इवन उससे बेटर ही, क्योंकि इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई वाइब्रेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं है। और सिमिलरली जैसा कि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बोला, इसका क्लच जो है वो बहुत ही कमाल है, ग्रिप्स भी इसकी बिल्कुल क्लासिक जैसी दी गई है। तो एक लुक है इसकी। थैंक यू। बाकी अगर डिटेल वीडियोस चाहिए तो देखूँगा, अगर मेरे को मिलेगी कभी शोरूम पे अगर मैं गया तो वहाँ पे बना दूँगा आप सबके लिए। तो इन द मीन टाइम एक और आ गई है, ये दूसरा कलर है, ग्रे कलर है, और ये टॉप मॉडल है इसमें, आप देख रहे होंगे। तो ये रेडी होने के लिए ये इसमें कुछ एसेसरीज फिट होनी है, और उसके बाद इसकी डिलीवरी होगी। तो ये इसका वॉक अराउंड है। ये मुझे उससे ज़्यादा बेटर कलर लग रहा है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये। इसकी यहाँ पे क्रोम भी है, उसमें शायद नहीं था ये क्रोम, ये फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। और ये इसका डैश, बेस मॉडल में और टॉप मॉडल में देखने से फ़र्क ये है कि जो बेस मॉडल में है वो रियर मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड और जो फ्रंट के फोक्स हैं वो ब्लैक कलर के आते हैं, बट जो टॉप मॉडल है उसमें जिस कलर की बाइक होती है उसी कलर के हमें फोक्स और फ्रंट मडगार्ड और रियर मडगार्ड देखने को मिलते हैं। एक ये इसमें फ़र्क है।